नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार, और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रिटायर्ड जनपद सीईओ के जबलपुर मंडल और भोपाल स्थित ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की टीम ने मारा छापा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही, लाखों की संपत्ति, बैंक खातों और लॉकरों की जानकारी उजागर, छानबीन जारी। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। 6वीं बटालियन में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। आईजी एसपी सहित तमाम पुलिस अफसर हुए शामिल। और सीधी भर्ती के सरकारी फैसले के खिलाफ नगर निगम के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में भारत ने एक बेहतरीन मुकाम हासिल किया है, जिसकी वजह से आम जनमानस में एवं भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ पार होने की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने रानीताल स्टेडियम में जश्न मनाते हुए 100 की आकृति बनाई और इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसकी वजह से आम जनमानस और भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर गया है। भारत सरकार की इस कामयाबी का जश्न मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने रानीताल स्टेडियम में 100 की आकृति बनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। सुबह 100 करोड़ का आंकड़ा सुबह 10:30 बजे के पार हो गया है, और अभी लगातार वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। मुझे लगता है कि ये 100 करोड़ के ऊपर जा चुका है। यहाँ पर आज हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर 100 करोड़ की प्रतीकात्मक हम लोगों ने सांकेतिक एक प्रधानमंत्री और हमारे जो कोरोना वॉरियर फ्रंट वॉरियर्स हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज हम लोगों ने स्टेडियम में मानव श्रृंखला बनाकर युवा मोर्चा महानगर के द्वारा उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा नेताओं ने कहा कि हिंदुस्तान विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जहां 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। देश में अमूलचूल परिवर्तन का युग है, और कोरोना की इस भीषण महामारी में भी कम से कम संसाधनों के बावजूद भी जो यह कार्य हुआ है, मुझे लगता है सरकार की, सक्षम सरकार की ये ताकत है, प्रजातंत्र की यह ताकत है, और एक ईमानदार नेतृत्व की यह शक्ति है जिसने आज 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करके इस देश को महामारी से होने वाले संकट से बचाने का प्रयास किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान अपनी खुशी का इजहार किया और कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सहभागिता दर्ज कराने का संकल्प भी दोहराया। मध्य प्रदेश सरकार ने दीपावली के पहले ही सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दे दिया है। सरकार ने 8% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। इस घोषणा से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। अब कर्मचारियों को कुल 20% महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। आजाद अध्यापक संघ के सदस्यों ने 8% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने पर विधायक अशोक रोहाणी के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शुक्रिया अदा किया। संगठन के सदस्यों का कहना है कि इससे प्रदेश के करीब 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। डीए ने मिल रहा था लगभग हमको 3000 से लेकर के 5000 तक का हमारा जो नुकसान हो रहा था वो हमें परेशानी थी। 8% जो दे दिया है, कुल मिला के 20% का हमें लाभ अब मिलेगा और 3 से 5 हजार रुपये का हमें लाभ। प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए दीपावली गिफ्ट से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। मंदिरों पर से सरकारी कब्जा समाप्त हो और उनका संचालन एवं संवर्धन हिंदुओं के द्वारा किया जाए, इस मांग के साथ विश्व हिंदू परिषद एक अभियान शुरू करने वाला है। परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांदे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ केंद्रीय कानून की मांग भी अभी अधूरी है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांदे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उनका संगठन 3 मुख्य मुद्दों पर कार्य कर रहा है। इसमें राम मंदिर निर्माण और धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग और हिंदू मंदिरों से सरकारी कब्जा हटाए जाने की मांग के मुद्दे प्रमुख हैं। मंदिरों के ऊपर जो सरकारी कब्जा है उससे मंदिरों की मुक्ति करना यह विश्व हिंदू परिषद की भूमिका है, और इसलिए अभी पूर्ण देश भर में पूजनीय संतों से संपर्क, समाज का जागरण और कानून के दृष्टि से भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये विषय को लेकर जाना, तो ये दोनों दृष्टि से मंदिरों की मुक्ति हो और मंदिरों का संचालन पूर्णतया हिंदू समाज स्वयं करे, इसके लिए हमारा बहुत बड़ा प्रयत्न अभी प्रारंभ हो रहा है।
और दूसरा विषय ने जो एक राष्ट्रीय समस्या है वो ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण की और लव जिहाद की। ये दोनों भी प्रक्रियाएं हिंदू समाज को टारगेट करती हैं और इसलिए योग्य कानून यह सभी राज्यों में आए, जैसे मध्य प्रदेश में अभी कानून आ गया है और अखिल भारतीय स्तर पे भी केंद्रीय कानून धर्मांतरण के विरोध में आए, यह एक हम चाहते। इसके लिए अभी जागरण और प्रत्यक्ष जमीनी तौर पर कार्य, यह हमारा दूसरा हेतु है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि इन मांगों को पूरा कराने के लिए जनता के बीच भी जन जागरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विजयनगर अहिंसा चौक के पास खाली पड़े एक कैफे में अचानक आग भड़क उठी। इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। क्षेत्रीय लोगों ने घटना की जानकारी बिजली विभाग, पुलिस और दमकल कर्मियों को दी, जिसके बाद दमकल कर्मी और बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और आग को काबू में किया। विजयनगर अहिंसा चौक के पास स्थित एक खाली पड़े कैफे में देर शाम अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुए इस अग्नि हादसे से हड़कंप मच गया। आग की लपटें देखकर लोग शक में आ गए। बिजली विभाग और पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद बिजली कर्मचारी और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग को काबू में किया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। एक फायर ब्रिगेड आई थी। ये आप जहाँ खड़े हैं अभी देख लो आप, इसमें ये कल्चर होटल है अहिंसा चौक। जैसे ही मेरे को जानकारी लगी तो मैं एक जगह काम कर रहा था और वहाँ से काम छोड़ते हुए यहाँ आया। तो आगे आग लगने की वजह क्या था? अब इसकी जानकारी तो मेरे को नहीं है, लेकिन अब शॉर्ट सर्किट भी हो सकता, कुछ भी हो। अब अग्नि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ईद मिलादुन्नबी पर्व के जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव करने और बम फेंककर अशांति फैलाने वाले उपद्रवियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी करने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को पुलिस ने सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर मछली मार्केट, मिलोनीगंज और कटंगी अंतर्गत रंगरेज मोहल्ला में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर जलते हुए पटाखे फेंकने, फिर पथराव करके अशांति फैलाने वाले 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान की प्रयास कर रही है। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान पुलिस पर बम फेंकने और पथराव करके अशांति फैलाने वाले तत्वों की धरपकड़ का अभियान लगातार जारी है। गुरुवार को भी पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर मिलोनीगंज मछली मार्केट और कटंगी के रंगरेज मोहल्ला में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर जलते पटाखे फोड़ने और पथराव करने वाले 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि मिलोनीगंज मछली मार्केट में हुई घटना में 26 नामजद आरोपी और 60 से ज्यादा अन्य लोगों के खिलाफ धारा 307 शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस लगातार भीड़ और उपद्रव का हिस्सा बनने वाले उपद्रवियों की पतासाजी और पहचान सुनिश्चित कर उनकी गिरफ्तारी कर रही है। थाना गोहलपुर के अंतर्गत मछली मार्केट में दिनांक 20 अक्टूबर को एक विवाद हुआ था, जिसमें कुछ उपद्रवियों द्वारा ईद मिलादुन्नबी के जश्न के दौरान पुलिस की ओर निशाना बनाकर जान से मारने की नीयत से बम फेंके। उसके बाद पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, उनको खदेड़ा गया और अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद पूर्व में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज 10 आरोपियों को राउंड अप किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस द्वारा कुल 24 नामजद आरोपी जो FIR में थे और उसके अलावा अन्य 50-60 उपद्रवी और भी थे, उनकी तलाश जारी है। किन धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज? इसमें धारा 307, 143, 48, 49, 21, 353 और 427, 294 आदि धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया था, बाकी लोगों की पहचान करने का कार्य किया जा रहा है। बरगी थाना क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ हुई लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए बरगी पुलिस ने लूट करने वाले फाइनेंस कंपनी के ही एक पूर्व कर्मचारी, उसके 2 सहयोगियों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
बरगी पुलिस के मुताबिक पिछले वर्ष 9 अक्टूबर 2020 को श्रीराम फाइनेंस के कर्मचारी श्याम दुबे को मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उसका रुपयों से भरा बैग लूट लिया था। इस मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को जानकारी हासिल हुई कि लूट की इस वारदात को अंजाम देने वाले युवक खापर रोड के पास मैगी पॉइंट पर बैठे हैं। इस सूचना पर दबिश देकर पुलिस ने अंकित उर्फ आदर्श राजपूत, पंकज राजपूत और कोमल उर्फ विवेक राजपूत को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में लूट की घटना स्वीकार की और बताया कि मौज मस्ती का शौक पूरा करने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। इनसे घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल, कुछ रुपए, ब्लूटूथ मशीन और काले रंग का पिट्ठू बैग भी जब्त किया गया है। हनुमानताल के रजा चौक इलाके में चाय पी रहे दो युवकों पर बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एक युवक की नस कट गई, जिसके बाद उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हनुमानताल पुलिस ने मामले में धारा 307 का प्रकरण दर्ज कर लिया है। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र के रजा चौक इलाके में चाय पी रहे एक युवक हासिम परवेज पर बाइक सवार कुछ युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान हासिम को बचाने आए उसके साथी पर भी युवकों ने जानलेवा हमला किया। इस घटना में हासिम परवेज के शरीर के कई हिस्सों में चोट भी पहुंची, जिसके बाद से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना के बाद पुलिस ने धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस का कहना है कि हमला करने वाले युवकों की संख्या 4 से ज्यादा है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने कुछ हमलावरों की पहचान की है। पुलिस की माने तो हमलावरों के गोटेगांव और गाडरवारा के होने की बात सामने आई है। इस आधार पर आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। कम से कम 5 व्यक्ति तो है ही हैं, और भी हो सकते हैं। तो क्या कारण था, क्यों मारा, ये सब जो है उनके बयान के बाद होगा। जिनको ज़्यादा चोट लगी है, क्योंकि उसी से झगड़ा हुआ था। फिर भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें मेहनत की है और शीघ्र ही आरोपियों को ट्रेस करके और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर घटना में घायल हुए हासिम की हालत नाजुक है, जिसके चलते अब तक पुलिस उसके बयान दर्ज नहीं कर सकी है। इस कारण घटना की वजह का खुलासा भी फिलहाल नहीं हो सका है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।